तो आज आपकी होगी नॉलेज की टेस्ट, थ्रो टेस्ट योर नॉलेज। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर एग्जाम्स। और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस के, जो है क्वेश्चन नंबर्स हाउ मेनी, दीज आर 14 एंड इट इज रिलेटेड विथ इंड एज 38। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर वन से। या यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल, वी विल, लेट्स स्टार्ट, वी विल डू दिस टेस्ट योर नॉलेज एंड सो गुड टू गो। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन, एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग जर्नल्स। ओके, नो वरीज। एक्स लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग जर्नल, दे अक्वायर्ड 50% स्टेक्स इन द वाई लिमिटेड। इन्होंने अक्वायर किया 50% स्टेक, नो वरी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो वरी, व्हाट यू कैन से। अ कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री एक्स लिमिटेड वेट परचेस कंसिडरेशन ऑफ 10 crores एंड फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट अक्वायर्ड इज 8 crore 50 lakhs। द अबव परचेस कंसिडरेशन इंक्लूड 30,000 फॉर ऑब्टेनिंग द स्किल्ड स्टाफ ऑफ वाई लिमिटेड। ओके, उनके स्किल्ड स्टाफ को हायर करने के लिए 30 लाख रुपया दिया गया, 50 लाख बाई वे ऑफ पेमेंट वॉज नॉन कम्पीट फिक्स। नॉन कम्पीट फीस इज कि भाई मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ तो तुम ऐसा कोई बिजनेस हमारे सामने कंपटीशन में नहीं लाओगे। सो एज टू रिस्ट्रिक्ट वाई लिमिटेड टू कम्पीट इन द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जैसा मैंने बोला था, हाउ शुड द अबव ट्रांजेक्शन शुड बी कम्प्लाइड। भाई साहब, 10 करोड़ में से 8 करोड़ 50 लाख नेट एसेट है, फिर 50 का 30 लाख फॉर स्किल्ड और 50 लैक्स फॉर द नॉन कम्पीट फीस, तो हाउ यू विल रिकॉर्ड दिस। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, सो लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन। एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट इन रिस्पेक्ट टू द कंसिडरेशन पेड टूवर्ड्स द नॉन कम्पीट फीस ओनली, और बाकी तो भाई साहब उनका वही था, नॉन कम्पीट फीस शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। हाउएवर, अमाउंट पेड फॉर द स्किल्ड स्टाफ अमाउंट टू 30 डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंजिबल, बिकॉज स्टाफ, आई अगेन से प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो स्टाफ एक एसेट नहीं है आपका, एसेट नहीं है, दैट मीन्स वॉट एसेट मीन्स। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर आइडेंटिफिएबल, हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस एंड नॉन मॉनेटरी वैल्यू। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एसेट ही नहीं, एसेट मतलब दोज रिसोर्सेज विच एंटिटी हैज अ कंट्रोल एंड हैविंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट तो स्किल लेवल से है, बट ये एसेट पे कंट्रोल नहीं, कोई भी स्टाफ कभी भी छोड़ के जा सकता है। ओके, एक्स लिमिटेड डज नॉट इस्टेब्लिश एनी राइट ओवर द रिसोर्सेज शुड बी एक्सपेंस, जो कि यही हमने बोला, रिसोर्सेज से कोई राइट नहीं उनका। देन इट हैज इनसफिशिएंट कंट्रोल ओवर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम दिम, और टीम, स्किल्ड टीम से इनका फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट भी इनसफिशिएंट कंट्रोल है, जिसके ऊपर बोले कंट्रोल नहीं है उनका। कोई भी लेबर या फिर कोई भी स्टाफ अगर आप ट्रेन करते हो या फिर हायर करते हो तो यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल मैन, सो यू हैव जस्ट अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड दैट इज नॉट मच श्योर कि वो टिल देन कब तक रहेगा वो। देयरफॉर 50 लाख विल बी सेपरेटली रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर द सेक ऑफ कॉम्पीट फीस, वेयर एज अमाउंट पेड फॉर द ऑब्टेनिंग स्किल डज नॉट रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया, तो सिंस इट विल बी According to the business, it forms part of the goodwill recognized in the acquisition deed. So the value of the goodwill will be your. मैं बताता हूँ value कितनी होगी आपकी goodwill की। आपने 10 करोड़ का खरीदा था जिसमें 8.5 था आपका net asset. तो purchase consideration minus net asset और उसमें से 50 लाख 0.5 हो गया आपका, ये तो टोटल हो गया ये दोनों 9 और बचा 1 करोड़, तो ये आपका 1 करोड़ हो गया गुडविल। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एक इंटेंजिबल एसेट ये हो गया आपके पास 50 का एंड 1 इज योर गुडविल, और 30 तो दैट इज नॉट योर इंटेंजिबल एसेट। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, गुडविल कितना है और क्या इंटेंजिबल एसेट आपके पास है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, एक्सटेंडेड परचेज फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब आपके पास एक राइट रहता है फ्रेंचाइज का, मतलब फ्रॉम अ रेस्टोरेंट चेन, सपोज करो KFC का इन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीदा है, ठीक है, दिल्ली में या मुंबई में। एक्सटेंडेड परचेज फ्रेंचाइज फ्रॉम द रेस्टोरेंट चेन एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ हो सकता है, एंड द लाइफ कितनी, 10 साल। इन एडिशन द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट मेंशन दैट द फ्रेंचाइज वुड आल्सो पे द फ्रेंचाइजर रॉयल्टी एज अ परसेंट ऑफ द सेल्स मोड।
सेल्स पे जितनी फ्रेंचाइज की एक रॉयल्टी भी है वो भी पे करनी है. कैन द फ्रेंचाइजीज राइट टू बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट अंडर, इन्होंने राइट एक्वायर किया है और उनको सेल के ऊपर एक रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी, तो क्या ये इंडेस की डेफिनेशंस को, इंडेस 38 के डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं फॉर बिकमिंग एन इंटेंजिबल एसेट्स? लेट्स फाइंड आउट विद द येलो वन. द फ्रेंचाइज राइट्स मीट्स द आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया इन द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स सिंस इट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. इट इज अक्रूड I'm sorry, acquired separately and the cost can be measured reliably. In addition, X Limited will have a future economic control over the right. X Limited should recognize the franchise as an intangible and amortize over the. तो और रॉयल्टी को इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो रिकॉग्निशन का बेसिस क्या होता है. रिकॉग्निशन का बेसिस होता है कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो. तो कॉस्ट रिलायबली यहाँ मेजर्ड हो ही रही है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनको साफ साफ दिख रहा है, तो दिस विल बी रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट. परफेक्ट, दिस इज वॉट द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेज. एंड द रिवेन्यू आई एम सॉरी द रॉयल्टी ही विल पे ओवर द सेल विल बी चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस. दैट्स इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. An entity regularly places advertisement. I'm sorry, battery is currently running low, so I just okay. Abhi running low nahi aaga. An entity regularly places advertisement in the newspaper. Advertisement hai bhai sahab. And includes reply slip that informs individual replying to the advertisement that the entity may pass on the individual details over the sellers of the similar product. बेसिकली एडवर्टाइजमेंट पे एक एंटिटी खर्चा कर रही है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंटिटी हैज असेंबल न्यू लिस्ट ऑफ कस्टमर. उसके पास उस एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे लिस्ट ऑफ कस्टमर जनरेट हो गए, मतलब कस्टमर का मेल, कस्टमर का मोबाइल नंबर, नाम, माँ बाप का नाम भी आ सकता है, नेम एंड एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या उन्होंने गैदर कर लिया. तो कस्टमर का डेटा भी आपका एक एसेट होता है, ठीक है. द लिस्ट इज प्रोवाइडेड टू द अदर एंटिटीज फॉर अ फ्री, दूसरे लोगों को इन्होंने फ्री में दे दिया. द एंटिटी वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज एन एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द लिस्ट. कैन द कस्टमर इज बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट. क्या कस्टमर लिस्ट जो आपके पास कस्टमर है, कस्टमर का एक पूरा डेटा बेस है बेसिकली, जैसे फेसबुक के पास डेटा बेस बेचता है और बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सीज में आ जाता है, तो क्या उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे एज इंटेंजिबल एसेट, वो हमें देखना है. सो इन द सिचुएशन द एंटिटी हैज नो लीगल राइट, हमारे डेटा के ऊपर उसका कोई लीगल राइट नहीं है टू द कस्टमर रिलेशनशिप, बट एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस हैव टेकन प्लेस दैट एविडेंस सेपरेबिलिटी ऑफ द एसेट्स एंड कंट्रोल ओवर द एंटिटी इज एबल टू एक्सरसाइज ओवर द एसेट, देयरफॉर द लिस्ट इज एन इंटेंजिबल एसेट. लेकिन देखो आपके पास राइट नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज प्लेस हुआ जो कि उन्होंने फ्री में दे दिया. एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस दैट द एविडेंस सेपरेट, जो कि ये एविडेंस कराता है कि वो सेपरेटली वो एक एसेट बेच पा रहे हैं और उस एंड द कंट्रोल दैट द एंटिटी इज एबल टू एक्सरसाइज ओवर द एसेट, उसकी वजह से उस एसेट पे उनका कंट्रोल हो जाएगा. सपोज करो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट से एक कस्टमर लिस्ट की डेटा हासिल कर ली, उस हासिल किए हुए डेटा को मैंने किसी एक एंटिटी को फ्री में दे दिया, तो क्या वो एंटिटी के उसके ऊपर उसका कंट्रोल आ गया? बिल्कुल आ गया. और क्या वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो रहा है? जी हाँ हो रहा है. देयरफॉर द लिस्ट इज एन इंटेंजिबल एसेट. हाउएवर द एंटिटी मे नॉट रिकॉग्नाइज द एसेट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द कस्टमर लिस्ट इंटरनली कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ होल. आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल क्योंकि आपने इसको कैपेबल ऑफ सेल बना दिया, कैपेबल ऑफ सेल. अगर आपको इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन पता हो तो इंटेंजिबल एसेट मींस दोज एसेट्स, आई रिपीट, दोज एसेट्स व्हिच आर आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस, नो फिजिकल सब्सटेंस, नॉन मॉनेटरी वैल्यू उसकी होनी चाहिए, ठीक है. और इसके बाद उसमें टेस्ट होता है रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का, जिसमें आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिखना चाहिए और कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो सके. तो यहाँ पे कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती. द एंटिटी मे नॉट रिकॉग्नाइज द एसेट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द कस्टमर लिस्ट
इंटरनली कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉस्ट. आप उसको आइडेंटिफिएबल बना दिए, आइडेंटिफिएबल मतलब आप कैपेबल फॉर सेल बना दिए उसको, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज वो एज अ होल बिजनेस की है. बिजनेस के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन कस्टमर लिस्ट का क्या उसमें से खर्चा निकला वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. यू कैन आइडेंटिफाई एज अ इंटेंजिबल एसेट, बट यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज एज द कॉस्ट इज नॉट reliably measured. Are you getting my point? I hope so. Now move to the next. A software company X Limited is developing new software for the telecom industry. Koi baat nahi. It employs 100 employees engineers trained in the particular discipline who are engaged in the development. Achha, so training there, staff training basically. X Limited feels that it has an excellent HR policy. Oh, thank you. Matlab unko थैंक यू बोलना चाहिए एच आर को. एंड डज नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ इट्स इम्प्लॉयज टू लीव द नियर फ्यूचर. मतलब इतना अच्छा एच आर पॉलिसी कि ऐसे बंदों को पकड़ के, गधों को पकड़ के लाएं कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे कंपनी को. इट वॉन्ट्स टू रिकोगनाइज दिस सेट ऑफ इंजीनियर एज अ ह्यूमन रिसोर्स, और उसको आप ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहते हैं. अरे बाप रे बाप, मतलब आपके मतलब इतना पॉलिसी, मतलब क्या बोले, आदमी को ह्यूमन रिसोर्स एज ए इंटेंजिबल एसेट बुक करना चाहते हैं. वाह, आइए देख लेते हैं आंसर. Although without doubt the skill set of employees make them extremely valuable to the company, however it does not control over them. आप कैसे दावा ठोक सकते हो कि भाई हम ये फ्यूचर में नहीं जाएंगे, क्या पता किसके यहाँ किसके साथ क्या हो गया कैसे होगा. दे कैन लीव इट यार. मेयरली हैविंग गुड HR पॉलिसी वुड नॉट मेक देम एलिजिबल टू रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट. स्टाफ कैन नॉट बी योर एसेट मैन. स्टाफ इज एन स्टाफ, उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, दैट कैन नेवर बी योर एसेट. आप बोलने के लिए बोल दो कि भयंकर एचआर पॉलिसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने पहले भी स्टाफ ट्रेनिंग और स्टाफ के बारे में बात की है. एक्स लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ टेलीकॉम लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू ऑपरेट मोबाइल टेलीफोनी इन 2 states ऑफ इंडिया. कैन द कॉस्ट ऑफ इट कैन बी कैपिटलाइज. ये होना चाहिए क्योंकि ये लाइसेंस एक्वायर किया है. कॉस्ट ऑफ टेलीकॉम कैन बी कैपिटलाइज. जी हाँ, वो कैपिटलाइज हो जाएगा और उसको आप इंटेंजिबल एसेट मान के 2 साल में इम्पेयर, आई मीन 2 state में है, आप फिर उसको अमोर्टाइज करते हो. तो बेसिकली आपने एक्वायर किया तो आप उसको कर सकते हो. फिर नाउ मूव टू द नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन. दो एक्स लिमिटेड परचेज अ स्टैंडर्डाइज फाइनेंस सॉफ्टवेयर. ओके, 50,000 टूवर्ड्स परचेज टैक्स, ठीक है, विच इज नॉन रिफंडेबल, मतलब एड हो जाएगा. In addition to this, the entity was granted a trade discount, जो कि माइनस हो जाएगा इनिशियल प्राइस लिस्ट पे 30 लाख पे. X Limited incurred 7 lakhs towards the customization of the software for the intended use. Customize करा हो सकता है use के लिए, तो ये add हो जाएगा. X Limited purchased 5-year maintenance contract for the vendor, ये add नहीं होगा. At what intangible asset, मतलब cost आपको बताना, बहुत easy peasy sum है, सारे add हो जाएंगे except MCA, believe. Yes, here we go. ये हो गया. और एक ट्रेड डिस्काउंट जो 30 लाख पे 5% आपको मिलेगा, तो उसको हटाना पड़ता है. आई होप आपको पता हो परचेज और एक्वायर का, जब हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे थे तो उसमें डिस्काउंट माइनस किए थे और लेस रिबेट भी किए थे, टैक्सेस को ऐड कर दिए थे विच आर नॉट रिफंडेबल. तो एक टैक्सेस भी यहाँ पे आ जाएंगे, परचेज टैक्सेस विच आर नॉट रिफंडेबल, ठीक है. कस्टमाइजेशन कॉस्ट आएगा ही, ये आ गया 36 लाख कॉस्ट. और ये 2 लाख नहीं आएगा बिकॉज दैट इज योर मेंटेनेंस, not ready for use, मतलब उसको put to use, ready to use के लिए ये नहीं बनाया गया. Now move to the next. Excellent in a business combination, purchase the net asset 4 lakh के लिए. The assets and liability position of Y Limited, X Limited in a business combination, purchase the net asset of Y Limited, को उन्होंने net asset खरीदा. बिफोर द एक्विजिशन एज फॉलोज, उनका कॉम्बिनेशन क्या था, वाई लिमिटेड का इतनी की प्रॉपर्टी, ये इंटेंजिबल एसेट्स 2 थे, कैश एट बैंक इतना था, लाइबिलिटी इतनी थी. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पीपी, मार्केट वैल्यू इसकी जो है और इंटेंजिबल रेस्पेक्टिवली क्या गया है, 1, 50, 30 और 70. तो इसको चेंज कर दीजिए आप, 1, 50, 30, 70, कैश एट बैंक 130 रहेगा, ट्रेड पेपर में तो कोई चेंजेस नहीं आया. आइए देखते हैं कैसे. हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि आप हाउ वुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर द नेट एसेट एक्वायर्ड बाय वाई लिमिटेड.
कैसे करेंगे वो लोग, रिकॉर्ड जैसे मैंने बोला था वैसे ही किया हुआ है। 1,50 फिर 70, 30, 70 और 31, ट्रेड लाइबिलिटी ये है। नोट गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन, बिल्कुल 4 लाख में से ये गया, ये और ये 70,000 आ गया, ये लाइबिलिटी माइनस हो गई, 70,000 का गुडविल आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं बॉस, ये सम क्यों दे दिया तुम, अब ऐसा सम क्यों दे दिया भाई साहब, इजी माइनस करना है बस। करना क्या है, ये ऐड ये माइनस होगा, बैलेंसिंग फिगर 4 लाख से घटा के निकाल दोगे, 70,000 गुडविल आ जाएगा। बात करते अमलगमेशन और मर्जर आपने पढ़ा होगा इंटरव्यू, तो इजी वही से कॉन्सेप्ट है। एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड वाई लिमिटेड, ओके द परचेज कंडीशन 50, फेयर वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट 45, फेयर वैल्यू ऑफ इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट, एक रिसर्च प्रोसेस 10 लाख का इन प्रोसेस हो तो क्या ये कैपिटलाइज होगा, जी हाँ ये कैपिटलाइज हो जाएगा एज एन इंटेंजिबल एसेट। नो अदर इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड बाई इन द ट्रांजेक्शन, फर्दर कॉस्ट इंकर्ड बाई एक्स लिमिटेड इन रिलेशन विद दैट रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके बाद एक्स लिमिटेड जो अक्वायर किया उसके ऊपर कुछ खर्च हुआ है रिसर्च के तरफ, टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो ये कैपिटलाइज हो सकता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट। तो आप देखो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद आ रहा हो, हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर कि जब हम कोई रिसर्च खरीदते हैं कॉम्बिनेशन के बिजनेस कॉम्बिनेशन के वक्त, तो उस रिसर्च को हम लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं, बट उस पे आने वाले रिसर्च के एक्सपेंसेस को हम लोग पीएल में बुक करते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट के खर्चे होंगे तो उसको हम लोग फिर से इसमें कैपिटलाइज करते हैं अपनी कंपनी में आने के बाद। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमने एक रिसर्च खरीदा है जिसमें रिसर्च ऑन इन प्रोसेस था, उसको खरीदा तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जी हाँ कैपिटलाइज करेंगे, और हमारी कंपनी में आने के बाद जो भी डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ है तो वो डेवलपमेंट वाला एक्सपेंस को कैपिटलाइज करेंगे। आई होप यही किया हो, लेट्स सी। एक्स लिमिटेड इनिशियली रिकॉग्नाइज एट इट्स फेयर वैल्यू 10 लाख पे रिसर्च कॉस्ट, एक्स लिमिटेड शुड इनिशियली रिकॉग्नाइज द एक्वायर्ड इन हाउस रिसर्च एट द फेयर वैल्यू, दैट इज उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, रिसर्च कॉस्ट 5 लाख एंड द कॉस्ट 2 लाख फॉर द एस्टेब्लिशिंग फिजिबिलिटी शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद जो खर्चा उन्होंने दो खर्चे किए थे खरीदने के बाद, दो खर्चा क्या क्या था, 10 लाख का उन्होंने खरीदा, जैसे मैंने बोला ना रिसर्च को जब आप खरीदते हो तो कैपिटलाइज करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो आप एक्सपेंस करते हो रिसर्च के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी लाने के लिए, ये दो खर्चे आपने जो किए हैं 5 लाख और 2 लाख विल बी चार्ज टू द पीएनएल, बट आप 7 लाख जो डेवलपमेंट कॉस्ट खर्चा करोगे तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। इजी पीजी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगर आपको मैं फिर से समझाऊं, ये 10 का खर्चा है हमारी कंपनी में आया, उनके यहाँ रिसर्च था कोई दिक्कत नहीं, हमारी कंपनी आएगा तो कैपिटलाइज होगा, लेकिन ये जो खर्चे हैं वो पीएल में चार्ज होंगे, हमारी कंपनी के बाद के आने के खर्चे हैं, ये एक्स लिमिटेड ने खर्चा किया, तो ये वाली जो डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ है वो कैपिटलाइज होगा, तो 10 + 7 टोटल हो जाएगा 17 लाख। परफेक्ट नाउ, ओके हियर वी गो। एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड अ पेटेंट राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ एक्स लिमिटेड गिव्स इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ वाई, ओके एक पेटेंट राइट मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने अक्वायर किया इन एक्सचेंज, उसके बदले में इन्होंने क्या दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू है 20 लाख एंड 18 लाख रिस्पेक्टिवली एट पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इन्होंने पेटेंट एक्वायर किया उसका करंट मार्केट वैल्यू 20 लाख है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का 18 लाख, परफेक्ट, इन दोनों ने एक्सचेंज किया जिसकी मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू दी गई, एट व्हाट वैल्यू पेटेंट शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड। देखो भाई ये एक्सचेंज का केस आ गया, ठीक है, एक्सचेंज में हमने दो चीज पढ़ा था, एक कॉमर्शियल सब्सटेंस और एक नो कॉमर्शियल सब्सटेंस। कॉमर्शियल सब्सटेंस में होने से फेयर वैल्यू पे अपने बुक करते हैं और उसमें प्रॉफिट और लॉस बुक करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। पहला केस में एक्स लिमिटेड ने कोई कैश पे नहीं किया, एक्स लिमिटेड का सिचुएशन क्या है, अक्वायर करता है पेटेंट दे के क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो पेटेंट
का फेयर वैल्यू कितना है 20 और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का 80। और दूसरे केस में पहला में कैश नहीं है, दूसरा में 2 लाख कैश पेड है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। If an entity is able to determine the fair value of the asset received for the given up, the fair value of the asset given used to be measured the cost unless the fair value of the asset received is more clearly evident. The transaction at the fair value of the cost received adjusted for any cash received or paid. Therefore, in case of a patent is measured 18 lakh, in case of B it is measured at the 20 lakh 18 plus 2. देखिए सिंपल सी बात है, आपने क्या लिया है, एक पेटेंट लिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी गई। तो पहले केस में आपने 18 लाख का लिया हुआ है विदाउट एनी कैश पेड, तो 18 × 18 हो जाएगा। और दूसरे केस में आपने एक्स्ट्रा पे किया तो ये पेटेंट हो जाएगा आपका 20 और 2 कैश हो जाएगा 2 लाख। परफेक्ट। तो ये कॉस्ट बेसिकली निकालने के लिए बोला है, तो हमने कॉस्ट निकाल दिया। Now move to the next. X Garment Limited expend 1 crore towards promotion. ठीक है, promotion advertisement. After that event, it realized that brand name of the entity got popular. ओहो, recent release, sale भी बढ़ गया उनका बहुत अच्छे से. Will happen 2-3 साल तक उसका impact है. Advertisement कर रहा है basically उन्होंने, उसका 2-3 साल तक impact उनको दिख रहा है, अच्छी बात है. तो हाउ द एंट्री शुड अकाउंट द अबव कॉस्ट एक्सपेंस अकाउंट, फॉल करो भाई साहब, इंटेंजिबल एसेट का सोचना भी मत। तो बट डज नॉट क्रिएशन इंटेंजिबल एसेट, तो एक्सपेंस ऑफ जो मैंने बोला था वही बात है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, आई रिपीट व्हाट इट इज डूइंग इज डेवलपिंग, मतलब डेवलपमेंट का खर्चा R&D में डी में आ गए, आर में नहीं है। 2001-2002 में क्या हुआ, इनकर्ड हुआ एक्सपेंडिचर 1000 का, ऑफिस 9000 इनकर्ड बिफोर मार्च 2002 एंड रुपीज 100 वॉज इनकर्ड बिटवीन मार्च 2002 एंड 31 मार्च 2002, मतलब मार्च के महीने में 100 रुपया इनकर्ड हुआ। The entity is able to demonstrate that the March 2000 is the production process made the criteria for recognition as an intangible asset. देखो इसमें दो पार्ट, यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर लो, 1 मार्च से 31 मार्च से इनको लगा कि ये डेवलपमेंट फेज में गया है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके पहले जो खर्चा हुआ था, सपोज करो 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, दैट इज 900, दैट इज एक्सपेंस एंड दैट विल बी कैपिटलाइज, वी विल सी इन द आंसर इटसेल्फ। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नो हाउ इम्बॉर्डेड इन द प्रोसेस इंक्लूडेड फ्यूचर कैश फ्लो आउटफ्लोज इन द प्रेजेंट बिफोर एस्टिमेटेड, अब इससे इनको 500 रिकवर हो सकता है एट द ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं, इम्पेयरमेंट का कोई झमेला नहीं। During 2002-2003, expenses incurred 2000. Okay. The recoverable amount of the know-how embodied in the process is 1900. तो भैया 100 रुपया इधर था, 2000 और लग गया, फिर उसकी वैल्यू 1900 थी, तो उसमें से कुछ इंपेयरमेंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, सो लेट्स सी द आंसर व्हाट इट सोल्व्स। A Limited, okay, wrong highlighter. At the end of the financial 2002, the production process recognized an intangible of the cost of 100. So expenditure incurred during the criteria met the itna. So 900 expenditure, जैसे हमने बोला, 900 expenditure treat किया जाएगा. This expenditure does not form part of the cost of the production. बिल्कुल नहीं होगा, expenditure अलग है और 100 रुपया मतलब capitalized हुआ अब तक. अब अगले साल एट द एंड ऑफ दिस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2100 होगा और 1000 एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन एट द एंड ऑफ द 2002 प्लस 2000 एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन 2000,
तो 2000 इसमें से पहले का और 100 रुपया जो पहले का, तो 2100 अभी टोटल कैपिटलाइज हो गया। और रिकॉग्नाइज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, जैसा मैंने ऊपर किया तो वही इन लोग कॉम्प्लिकेटेड बना दिए थोड़ा लिख के, मैं बताता हूँ। पहले साल जो खर्चा हुआ 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, वो 100 रुपया कैपिटलाइज होगा और उसकी फेयर वैल्यू 500 है, तो इम्पेयरमेंट का कोई झमेला नहीं है उस साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द 2002। फिर इन्होंने खर्चा किया 2000 और उसके ऊपर, तो टोटल वैल्यू होगी इसकी 2100, लेकिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट 1900 ही रही। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है उसके लिए हमको इम्पेयरमेंट लगाना पड़ेगा एज पर इंड एस 36। तो ये हो गया 200 का इम्पेयरमेंट, अभी हमारी बुक वैल्यू क्लोजिंग रहेगी 1900। दैट्स इट, नो आर्ग्यूमेंट। मतलब ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, बट प्रीवियसली द वैल्यूज वर डिफरेंट। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छी बात है भाई साहब, डेवलपिंग, आई रिपीट द वर्ड डेवलपिंग बिकॉज द आर से डी में चला गया, इन द परस्यूएंस ऑफ द डेवलपमेंट पेड 2000 टुवर्ड्स द सैलरीज ऑफ द प्रोग्रामर फीस, इनकर्ड 5000 टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन, 2000 टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कोडिंग, पेड 7 लाख फॉर द अदर डायरेक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट टेक्निकल फिजिबिलिटी, इनकर्ड 2000 टुवर्ड्स द अदर टेस्टिंग कॉस्ट, अ फोकस ग्रुप ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर वॉज इन्वाइटेड, कॉस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस मतलब दूसरे लोग को बुला के वो दिखाया गया। ऑन मार्च 15, 2001 द डेवलपमेंट फेज वॉज कम्प्लीटेड एंड द कैश फ्लो बजट वॉज प्रिपेयर्ड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज एस्टिमेटेड इक्वल टू 40 लाख, हाउ मच यू अकाउंट फॉर द मेंशन कॉस्ट। बोला कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज एस्टिमेटेड टू बी इक्वल 40 लाख। आपको ये बताना है कि वो इंटेंजिबल एसेट का जो खर्चा हुआ वो कितना है, मतलब वॉट इज द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट विच वॉज डेवलप्ड। कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शुड बी चार्ज्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्हेन इनकर्ड अंटिल टेक्निकल फिजिबिलिटी एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट। बोल रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो उसको एक्सपेंस में चार्ज करते, ये ज्ञान इन्होंने बांट दिया। इन द केस 9 लाख सैलरी कॉस्ट, जिसमें से 9 लाख में से सैलरी, प्रोग्राम डिजाइन कॉस्ट और कोडिंग एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी कॉस्ट इतना वुड बी रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट लॉस एज अ रिसर्च फेज। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी वॉज कैपिटलाइज। आपको अगर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, आई बिलीव हालांकि अपना इंस्टीट्यूट कहीं लिखा नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, बट आपको भाई इंस्टीट्यूट सोचता है कि आप भगवान है, थोड़ा सा सोचे कि कहाँ से शुरू हुआ है। तो आइए देखते हैं। टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ कोडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग, यहाँ तक तो कोई नहीं। 7 लाख पेड फॉर द डायरेक्ट कॉस्ट एंड एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो बोल रहा है जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी आप एस्टैब्लिश नहीं करते तब तक की कॉस्ट को आप नहीं ले सकते। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5, 2, 7, 2, 9 ये सारे कॉस्ट आप 9 लाख रुपए, यहाँ तक टेक्निकल फिजिबिलिटी आपकी नहीं आई है, दिस विल बी योर एक्सपेंस। अब आगे देखते हैं। ओके, 9 लाख का बात हो गया। कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी विल बी कैपिटलाइज एज अ सॉफ्टवेयर कॉस्ट, बट द कॉन्फ्रेंस कॉस्ट विल बी एक्सपेंस। जो दूसरे को बुला के हम लोग कॉन्फ्रेंस का खर्चा किए, मतलब कि हम इनॉग्रेट किए भाई मेरा है ये वो दिखाए, तो दैट विल नॉट बी पार्ट। इन दिस सिचुएशन द डायरेक्ट कॉस्ट जिसमें 7 लाख लगा फिजिबिलिटी के लिए एंड टेस्टिंग 2 लाख विल बी कैपिटलाइज, टोटल 9 लाख का एसेट कैपिटलाइज हो गया आपका। तो R&D आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि R क्या, उसमें D क्या है। सैलरी तो नहीं आएगी, पेड टूवर्ड्स सैलरीज, टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम का डिजाइन बनाने के लिए दैट इज इन द रिसर्च प्रोसेस, वो कभी भी फेल और पास हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कोडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, कोडिंग के लिए काम हो रहा मतलब अभी डेवलपमेंट आपने शुरू नहीं की है, अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं जिसमें से ये वाले खर्चे को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि ये आपकी टेस्टिंग का खर्चा है या फिर स्टार्टिंग एक्सपेंसेस या फिर प्रमोशन के लिए खर्चा हो रहा है, बस दो कॉस्ट इसमें इंक्लूड होंगे जस्ट बिकॉज के डायरेक्ट कॉस्ट है फॉर एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी और टेस्टिंग कोड कॉस्ट के लिए। ओके, वी आर गेटिंग क्लोजर।
Oh my God. Just two questions are left. How are you feeling? I'm feeling great. What about you? As a question, push it out. I believe so. X Limited has started developing a new production process in the financial year 2000. Kitna develop karoge bhai saab? Developing a new production process. Total expenditure 2003 September tak laga 1 crore. Development of the production process meets the recognition criteria July 2001 ki baat hai. उन्होंने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया और टोटल खर्चा अपना लगा है 1 crore का सितंबर 2003 तक. तो जुलाई 2001 से ही भाई ये आ गए हैं कैपिटलाइज होने के लिए. बेसिकली द रिकॉर्ड ऑफ एक्स लिमिटेड शोज दैट आउट ऑफ द 1 crore 70 lakhs वर इंकर्ड ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर 1. ओके. X Limited publishes its financial results quarterly. X Limited अपना financial return quarterly present किया. How X Limited should account for the development expenditure? अब question ये कि कैसे वो account for करेंगे? तो ये कैसे अपने development expenditure को अपने book में डालेंगे? कहानी समझ में आई? 1 crore खर्चा हुआ है 31 सितंबर तक, जबकि जुलाई 1 से लोग शुरू कर दिए, तो जिसमें ये रिकॉर्ड शो करता है कि उस दौरान इन्होंने 70 लाख रुपए खर्च किए. तो लेट्स सी, इजी है. तो बस वही कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, जब इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने का फेज शुरू हुआ, उस दौरान जो खर्चे हुए हैं वो है 70 लाख, तो उसको हम लोग कैपिटलाइज करें, बाकी को एक्सपेंस बुक कर देंगे. नाउ वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 14 नंबर. X Limited डिसाइड्स टू रिवैल्यू द इट्स इंटेंजिबल एसेट्स ऑन अप्रैल 1, 2001. रिवैल्यू का इन्होंने सोचा. ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द इंटेंजिबल एसेट स्टैंड एट द कॉस्ट ऑफ 1 crore. उस समय उसका कॉस्ट 1 crore था और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 40 lakh था. द इंटेंजिबल एसेट्स वर रिवैल्यूड एट 1 lakh 50. तो मतलब ये 60 का हो गया, फिर उसको रिवैल्यूड होके 150 कर दिया गया. हाउ शुड X Limited रिकॉग्नाइज फॉर द रिवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो रिवैल्यूड होके 60 से 50 हो गया, तो इसको आप लोग कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे? The intangible asset revalued, अच्छी बात है, 1 crore 50 lakh पे on an amortized replacement cost basis, which is 150% increase from the original cost. Thereby applying the existing ratio of accumulated depreciation cost to revalued at इतना amortization इतना. मैं आपको बता देता हूँ, ये simply अपने technique से बता देता हूँ, easy आपको लगेगा. देखिए, इन्होंने pro rata basis follow किया, proportionate method आपको पता है ना, proportionate method. जब हम लोग रिवैल्यू करते हैं तो दो मेथड आता है, तो उसमें प्रोपोर्शनल मेथड ये है, एग्जिस्टिंग और न्यू वैल्यू. इनकी कितनी थी? 1 crore और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये ग्रॉस ब्लॉक हो गया, और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, मैं डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, ये 60 lakh आ गया. ठीक है, इसके आज की वैल्यू कर लो जब ये रिवैल्यूड हुए, और रिवैल्यूड होके ये कितने हो गए भाई साहब? 150. और जब इसमें देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज, so this will come around 150% increase. तो 150% यहाँ पे बढ़ा देंगे और यहाँ पे 150% बढ़ा देंगे, तो ये 150% जब बढ़ेगा, this will come around 250, मतलब 2.5 crores और ये आ जाएगा 1 crore, तो ये figure आ जाएगा 1.5 crore. Here it is. So we are done till here. So, बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले इंडियस के साथ, एंड दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली इंडियस 23. सो तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया. बोले दिल से शुक्रिया या
बस जुड़े रहिए और लोगों के साथ शेयर करिए वीडियो को। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ बोलना है क्या आपको? नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ अच्छा बुरा आपको लगा तो। बस एक बात याद रखिएगा कि आप हैं हमारी हैसियत। शुक्रिया।